उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए निकले 13 श्रद्धालुओं को पता नहीं था कि ये सफर उनके लिए कितना बड़ा हादसा बन जाएगा। दरअसल फर्रुखाबाद से बागेश्वर धाम के लिए निकले श्रद्धालुओं का सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसे घटी ये घटना, इस हादसे के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आए 13 श्रद्धालुओं का सड़क हादसे के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें बताती हैं कि कैसे पूरा हादसा हुआ। दरअसल जो श्रद्धालु हैं वो पहले रेलवे स्टेशन पर उतरे और उसके बाद यात्री ऑटो में सवार हो गए। नेशनल हाईवे 39 पर जब ये ऑटो पहुंचा, तब सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा भिड़ा। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि ऑटो सवार चालक की झपकी लग गई थी और तेजी में जा रहा ऑटो जो है ट्रक से जाकर टकरा गया। धमाका इतनी तेज हुआ कि आसपास मौजूद लोग भी घटना स्थल से भाग निकले, लेकिन इस पूरे घटना के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों को छतरपुर और ग्वालियर के अस्पताल में रेफर कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी श्रद्धालु भी गंभीर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा नेशनल हाईवे 39 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक सड़क पर खड़ा हुआ था और मौके से गुजर रहे ऑटो चालक की नींद लग गई और इसी कारण तेजी के साथ जा रहा ऑटो ट्रक से जाकर टकरा गया। तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना भयावह था। कई लोगों के मुताबिक, मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, जो यात्री थे वो ऑटो के अंदर फंसे हुए थे, जिनको निकालने की कोशिश की गई। ऑटो की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से हवा में उड़ गया, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा हो गया कि 7 लोगों की मौत हो गई और बागेश्वर धाम जाने से पहले ही एक बड़ी घटना घट गई। लोकमत के लिए छतरपुर और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।